जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5-year plans के बारे में। जिस तरह से महीने के पहले वीक में आपके मम्मी या पापा की सैलरी आती है तो ठीक उसी दिन से वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि किस तरह से उन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके ताकि पूरे महीने जो है अच्छे से स्मूथली चला जा सके। वंस अगेन आई डू अपोलोजाइज फॉर माई हिंदी, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई गलती हो जाए तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक अगेन, कि जिस तरह से घर पे प्लानिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक उसी तरह से स्टेट पे, नेशनल लेवल पे भी प्लानिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेशनल प्लान्स के बारे में चर्चा करेंगे, विच इज़ द 5-year plan। The plan which was formulated by the central government and financed by it for the implementation at the national level are known as central plan. जिस तरह से एक माँ या एक बाप पापा अपने बच्चों को फ्यूचर एजुकेशन के लिए पहले से ये प्लानिंग करके रखते हैं कि बेटे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए पैसे कहाँ से जोड़ जोड़ के रखते हैं, तो ठीक उसी तरह से सरकार भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी देश की इकनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्लान बना के रखती है कि किस तरह से रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जा सके। तो इसी तरह से सरकार ने 3 तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान्स जो है वो निर्धारित किए हुए हैं, जो कि है 5-year plans, 20-point program एंड MPLEDS। MPLEDS की वीडियो मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, तो उसमें मैंने MPLEDS के बारे में समझाया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग 5-year plans के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कि कंटिन्यूसली चलता आ रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। 5-year plan इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग द सेंट्रल प्लान एंड इज कंटिन्यूसली बीइंग इम्प्लीमेंटेड वन आफ्टर द अनदर बाय द प्लानिंग कमीशन व्हिच इज एट प्रेजेंट कॉल्ड द नीति आयोग। तो नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट प्लान, जिसकी शुरुआत हुई थी 1951 से 56 के बीच में। इस दौरान हमारा देश जो है वो गरीबी भुखमरी से लड़ रहा था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो लूट पीट के सब कुछ चले गए थे, बर्बाद करके चले गए थे। आज़ादी के बाद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि अंग्रेज सब कुछ लेके चले गए थे। तो इसी वजह से इस प्लान का मेन एम था टू प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर, ताकि लोगों को कुछ खाने को मिल सके, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा अच्छा हो सके, पर कैपिटल इनकम थोड़ा सा बढ़ सके, क्योंकि इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली गिर चुके थे, इकोनॉमिकली कमज़ोर हो चुके थे कि लाइक खाने को रोटी नहीं था। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज, फिर भी लोगों के पास खाने को रोटी नहीं था। आप लोगों ने लगान फिल्म नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहाँ पे कंडीशन एक उसका ग्लिम्स दिया हुआ है कि किस तरह से कैसी कंडीशन हो चुकी थी, कि बारिश नहीं हो रही थी, 3 गुना लगान, 4 गुना लगान, भुखमरी हो रही थी, खाने को रोटी नहीं था लोगों के पास, ऐसी कंडीशन हो गई थी। At the time of independence, the Indian economy was caught in a vicious circle of poverty characterized by one of the lowest per capita income among the countries of the world. Even though India had been primarily an agrarian economy, 85% of the population lived in villages, but still the country was not self-sufficient in food grains. जैसे कि मैंने कहा कि खाने को रोटी नहीं था, तो इसीलिए उस दौरान सरकार ने कहा कि भाई अपनी ताकत को ही नींव बनाते हैं, कि हमारी ताकत उस टाइम ये था कि हम लोग कृषि प्रधान देश थे, तो इंस्टेड ऑफ कि हम बाहर से खाना इंपोर्ट करें, हम यहीं पे PSUs बनाएंगे, यहीं पे खाना बनाएंगे और यहीं पे बनाया हुआ खाएंगे, बाहर को पैसे नहीं देंगे। तो इसीलिए हमने फर्स्ट 5-year plan में ये फोकस डाला था सरकार ने कि जो कृषि प्रधान एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस डालेंगे और इधर ही खाना बनाएंगे। This required a massive import of food grains, and during 1948 to 51, import of cereals was on the increase and rose to 4.7 million tons, which was about 10% of the domestic food production. जैसे कि हमने कहा कि ब्रिटिशर्स ने ऐसी दरिद्रता कर दी गई थी और
कि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी और सारे जो सीरियल्स थे, फूड प्रोडक्ट्स थे, वो इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो इसीलिए इस प्लान का मेन एम ये था कि इम्पोर्ट को कम करेंगे हम लोग और यहाँ पे ही बनाएंगे। As the economy was facing the problem of large-scale food import, the plan accorded highest priority to agriculture and about 44.6% of the plan outlay was in favor of PSU, yani ki public sector undertaking. One of the most important PSU at this time, present day, jo ki hai Food Corporation of India, jo nation ko food security provide karta hai. Wo us time pe to khair produce nahi hui thi, लेकिन अभी आज के डेट में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पीएसयू है जो नेशन को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो इसीलिए ये था फर्स्ट प्लान जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर को नीव बनाएंगे, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करेंगे और यहाँ पे पीएसयू बनाएंगे जिससे फूड प्रोडक्शन जो है वो इम्पोर्ट जो है वो कम हो सके और घर में ही बनाया जा सके, मतलब अपने देश में ही बनाया जा सके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड प्लान। सेकेंड प्लान में जब फर्स्ट प्लान थोड़ा थोड़ा सक्सेस होने लगा, लोग यहाँ पे हमारा पर कैपिटल इनकम जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, तो सरकार ने सोचा कि नहीं, अब तो हम लोग रेस में जा रहे हैं, अब तो हम लोग चाइना के साथ कम्पीट करेंगे, अब रशिया के साथ कम्पीट करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और रशिया जो कर रहे हैं हम भी करेंगे। अब एग्रीकल्चर से उन्होंने शिफ्ट होके अपना जो फोकस है वो दूसरे डोमेन्स में डालने शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम इंडस्ट्री पर ट्राई करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से क्या हो रहा था कि लोगों को खाने तो मिल रहे थे, खाने के लिए रोटी मिल रही थी, बट उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी। तो सरकार ने सोचा कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं भाई। तो इसीलिए उन्होंने इस बार इस प्लान के दौरान इंडस्ट्री पे फोकस किया। Despite an 18% increase in the aggregate national income during the first plan, there was very little rise in the standard of living of the population as a whole. जैसे कि मैंने कहा कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप, इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी। भले ही खाने को रोटी था, बट पहनने को इतने शानदार कपड़े नहीं थे, इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन्स नहीं थी लोगों की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इसीलिए सरकार ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, और ऊपर से कंपटीशन में आ गए थे कि नहीं, चाइना कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, तो वो चाइना के पीछे पीछे चले गए थे। सेकंड प्लान जो है वो डिजाइन किया गया था, डेवलप किया था प्रोफेसर महालनोबिस ने, और इसीलिए इस प्लान को महालनोबिस प्लान बोला जाता है। तो सेकंड प्लान ने प्रायोरिटाइज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और इस दौरान बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज जो है वो बने गए। सेकेंड प्लान ने बहुत अच्छी स्मूथ पटरी पड़ी, लेकिन जो सरकार की एक्सपेक्टेशंस थी कि नहीं, हम लोग इतना ज़्यादा करेंगे, इतना ज़्यादा चाइना से कम्पीट करेंगे एक ही बार में, तो वो तो फुलफिल नहीं हो पाया। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा वो लोग, मतलब एक्सपेक्टेशंस थी सरकार की कि हम लोग 100% अचीव करेंगे, लेकिन 60% अचीव किया। एग्जाम्पल के तौर पे 3 न्यू स्टील प्लांट्स बने, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाए जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था सरकार ने। While there is no doubt that the second plan did secure certain far-reaching gains in the industrial field, but there were serious shortfalls in several important spheres. While the setting up of the 3 new steel plants was by itself a most impressive achievement, their combined output of steel was only 6.6 million tons in 1960-61. अब एक ही बार में अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने को लगोगे, कोशिश करोगे, तब ये तो पॉसिबल है नहीं ना, धीरे धीरे करके तो चढ़ोगे। अगर आप बिना पढ़े एक दिन में यूपीएससी क्लियर करने के सपने देखोगे तो मुंह के बल तो गिरोगे ही। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके सरकार की एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उतना नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड प्लान। ये थर्ड प्लान में इंट्रोडक्शन हुआ कोमा का, क्योंकि हमारी जो सरकार थी वो पटरी पे जा रही थी, इकोनॉमिक जो है पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा था, थोड़ा धीरे धीरे करके, स्लो स्लो करके जो हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस बीच में एक छोटा सा कोमा लग गया, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगा, कोमा लग गया, मीट द कोमा। थर्ड प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम रोड ऑन द वेव ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस फॉलोइंग ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया।
जब हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत स्मूथली चल रही थी, तो सरकार बहुत ज़्यादा यू नो एक्सपेक्ट करने लग गए थे कि इस प्लान में तो हम लोग आग लगा देंगे, इस प्लान में तो हमारा जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लग गए थे, तो और उन्होंने सोचा भी था कि अपनी जो टारगेट्स हैं वो पूरा अचीव करेंगे। लेकिन इस दौरान हमें बहुत सारे मिसफॉर्च्यून्स का सामना करना पड़ा। In this plan, India made efforts to achieve self-reliance in food production and industry. However, the plan period saw lots of political and economic misfortune. और वो misfortune क्या है? जैसे कि हम लोग कहा जाता है कि किस्मत बड़ी डेस्ट 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 चीज़ है, कभी भी बदल जाती है, जो शाहरुख खान का डायलॉग है। तो उस प्लान के दौरान हमारी जो देश की जो किस्मत है उसने पलटी मारी, यानी कि किस्मत बदल गई और बहुत सारे जो misfortunes है जो कि कौमा थे वो आए थे। लाइक एक तो वार हो गया था पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ वार हो गया था, फिर माइन स्ट्रक हो गया था, वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की डेथ हो गई थी। तो इस तरह से एक के बाद एक जो है दुखों का पहाड़ आने लगा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी प्लान करने की जो वो कैपेसिटी थी, वो मोरल, वो पूरी तरह से टूट चुका था। However, the plan period saw lots of political and economic problems. The Indo-China War 1962, Indo-Pakistan War 1965 exposed weakness of the country. In wars में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, बहुत सारा political powers utilize हुआ, बहुत सारा military power utilize हुआ, जिसने हमारे moral को बहुत down कर दिया। This conflict substantially shifted the focus towards defense production and country's moral was down due to death of Jawaharlal Nehru in 1964. ये सारा कंबाइन जो डिजास्टर्स थे, मिसफॉर्च्यून्स थे, इन्होंने हमारी जो प्लानिंग की जो वो टारगेट्स थे कि हम लोग ये करेंगे एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, वो सब कुछ डाइवर्ट कर दिया और कहीं और ही अपना अटेंशन ले गए। और इसीलिए ये प्लान जो था वो थोड़ी देर के लिए, ये प्लानिंग का जो प्रोसेस था वो थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो गया, रुक गया, कोमा लग गया, बट फुल स्टॉप नहीं लगा। कीप काम, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। The period of three consecutive annual plans was 1966 to 69. तो इस दौरान सरकार ने सोचा कि नहीं, अब हम 5-year plan नहीं करेंगे, एक एक annual plan करते हैं। और एक annual plan मतलब 66 to 67 तक एक साल का plan लगाया था, और उस दौरान उस प्लान को, उस पीरियड को प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया था। क्योंकि उस पीरियड में, क्योंकि सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि 5 साल तक की हम लोग प्लानिंग अभी से करें, क्या पता कब क्या हो जाए अब इतनी सारी बुरी सिचुएशन में। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि नहीं भाई, हम एक एक कदम चलेंगे, अब 5 कदम नहीं चल सकते। तो इसीलिए जो प्लान था 1966 से 67, दैट वॉज कॉल्ड एज प्लान हॉलीडे। और ठीक उसी तरह से 66 से 69 तक 3 consecutive प्लान हॉलीडे चले, उसके बाद ही 4th plan जो है वो बना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।